और देखेंगे कि क्या कुछ कैसा है और किस प्रकार की सुबह की यहाँ पर गतिविधियाँ चलती हैं। काशी जो है महादेव की नगरी है, अविचल अविनाशी है। और लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, जब आप आज बड़ा दिन है और सभी मेरे श्रोताओं को 9 दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और कॉम ब्लॉग ने सोचा कि नए साल पर कुछ नए खाते हैं आपको काशी की महत्वपूर्ण मिठाई मलइयों के बारे में। जैसा कि प्राप्त जानकारी हुई है हमें कि हमारे जो फ्री दुकानदार हैं बम्बई में गए हैं मलइयों बनाने और काफ़ी फेमस। आइए हम बात करते हैं चाचा से, देखते हैं गुंजन जी के बारे में बताइए कुछ, कहाँ हैं वो आज? वे भैया बम्बई गए हैं, मानी के कोई रिश्तेदार की है पेंशन जी, उसमें फ्लाइट से गए हैं बम्बई। क्या करने गए हैं? वे मलइयों बनाने गए हैं जी, और मलइयों 4 दिन में कल आ जाएंगे जी। आज मतलब अपने दुकान पर नहीं है। काशी का एक महत्वपूर्ण स्वाद जो कि मलइयों है। हाँ। और काफी फेमस रहा है। और काशी के हम लोग भंडार के सामने है, जी लस्सी भंडार है जी। मेरा नाम राजू सरदार है जी, राजू सरदार जी। प्राचीन मतलब मलइयों की, बताइए मलइयों के बारे में कुछ, आप नियमित कस्टमर हैं, आप बताइए। हाँ, मलइयों के बारे में। डेली मतलब कस्टमर है, खाते हैं, स्वाद है तो भाई जिसके दुकान में स्वाद है उसके कहाँ कदम रखते हैं। और हम लोग कोई पाउडर कोई केमिकल नहीं मिलाते हैं, दूध ठंडी मिलाई के हाथ से मशीन बनती है। और ये मलइयों क्या है, मेथड क्या है, ये मलइयों कैसे बनाते हैं? मलइयों दूध को उबाल के उसके शुद्ध दूध से रात में रखा जाता है छत पर, सुबह मारनी में निकाल के उसको मक्खन रगड़ी में मिला कर मथा जाता है और उसको फिर दुकान पर ला के। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये किस मौसम में हमें खाने को मिलेगा? जाड़ही में है, लास्ट फरवरी तक है जी। आइए ये देखिए हमारे बोलते हैं, और ये क्या नाम है, जाड़े में तैयार होता है और किसी समय में तैयार होता है।